नमस्कार स्टूडेंट्स, दिस वीडियो फॉर क्लास 9th लेसन नंबर 8, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द थ्री लास्ट फीचर्स ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल देर आर 14 बेसिक फीचर्स ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमोंग देम द 11 फीचर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन अवर प्रीवियस वीडियोज। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी 12, 13 and 14 number features of our Indian constitution. So the features number 12 is fundamental rights and fundamental duties. The constitution has given these two, the fundamental rights and fundamental duties to every citizen of India. So the rights and the duties, that is the either side of the one coin. So it is a very necessary to perform these two things is very equally, is very respectively. So first of all, we'll discuss about the fundamental rights. You all of you know our fundamental rights, you have already studied in the previous standard regarding about this. Right to equality, samanta ka adhikar, in every citizen of our country get the equal status. No discrimination can be done on the basis of the caste, creed, language, religion, region. So there is a right to equality, samanta ka adhikar. Right to freedom. In the right to freedom, there are the six freedoms they included: freedom of speech, freedom of expression, freedom of thought, freedom of move any part of the country, freedom of the business in any part of the country. So total in the right to freedom, there are the six rights are included. Swatantrata ka adhikar. Hamare desh ka har ek nagrik swatantrata hai, swatantra hai, wo apne tarike se wo reh sakta hai, follow kar sakta hai. राइट अगेंस्ट एक्सक्लूडेशन, शोषण विरुद्ध अधिकार। कोई आपके ऊपर अत्याचार करता है, शोषण करता है, आपका एक्सक्लूडेशन करता है, आपको हैरेसमेंट करता है फिजिकली मेंटली, तो उसके अगेंस्ट में आपको राइट है, आप जस्टिस ले सकते हो, आप जुडिशरी के पास जा सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सक्लूडेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धर्म स्वातंत्र अधिकार। We have right to choose our religion, our sect, our region, our religion, our cultural language. ये सबको अपना अधिकार है कि अपने अपने धर्म, multi-religious country India, India is a multi-religious country. So every citizen gets right to perform their religion in the same manner. The state doesn't interfere in the religion matter. So right to freedom of religion. Cultural and educational rights. In our country, there are so many cultures and so many religions and so many the languages are there in our culture, in our country. So everyone has the right to perform their culture and educational rights. Here discussing about the religious education and the religion, that is a culture education. कि कोई हिंदू है तो अपने हिंदू कल्चर को पढ़ने का उसको अधिकार है, कोई मुस्लिम है तो अपने मुस्लिम कल्चर को, अपने मुस्लिम धर्म के जो भी शिक्षण है उसको लेने का अधिकार है। हर एक धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म का शिक्षण, इन दिस द कल्चरल एजुकेशन, नॉट अ नॉर्मल एजुकेशन, कल्चरल, अपना धर्म का, अपने लैंग्वेज का, अपने समाज का जो एजुकेशन है वो लेने का अधिकार है, और उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हो, प्रमोट भी कर सकते हो। सो दीज आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब होता है इलाज करना, उसका उपचार करना। इफ यू फाउंड एनी द मिस्टेक इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी हैरेसमेंट है या तो आपको कोई भी प्रकार का देश के अंदर प्रॉब्लम है, तो यू कैन गो टू द जुडिशरी फॉर द जस्टिस। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर या तो आपको देश के अंदर रहने में किसी भी प्रकार का आपका राइट्स छीना जाता है या तो आपके साथ इनजस्टिस होता है, एक्सप्लोटेशन होता है, सो उसका इलाज करने के लिए जाते हैं हम जुडिशरी के पास। जैसे हमारे फिजिकली जो अगर हमको प्रॉब्लम है तो इसका इलाज करने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास। इस तरीके से जुडिशरी सिस्टम के अंदर, देश के अंदर कुछ पॉलिटिकली या तो कुछ पर्सनली, कुछ सोशली कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका सॉल्यूशन मिलता है हमको जुडिशरी सिस्टम के पास, कॉन्स्टिट्यूशन के पास। तो ये भी आपको जाने का अधिकार है, कोर्ट में हर एक व्यक्ति जा सकता है न्याय लेने के लिए, एंड दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज।
और एक नया एक राइट एक्चुअली दीज आर द सिक्स राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स. वन द न्यू राइट दैट इज एडेड द राइट टू एजुकेशन. हर एक को राइट टू एजुकेशन. एवरी चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ एवरी चिल्ड्रन ऑफ अवर कंट्री हैव कंपल्सरी हैव टू गो टू द स्कूल. उसको पढ़ने का अधिकार है. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन टू 6 to 14 ईयर्स. उसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन. सो दीज आर टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. फंडामेंटल ड्यूटीज हैज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड. आपका टेक्स्ट बुक का हर एक पेज जो प्ले जाता है उसके बाद एक आता है फंडामेंटल ड्यूटीज. एंड टोटल 11 ड्यूटीज आर डिस्क्राइब्ड ए टू ए तक. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के. सो टोटल 11 द फंडामेंटल ड्यूटीज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस. उसके अंदर रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट अवर नेशनल सिंबल, रिस्पेक्ट अवर वॉट एवर द नेशनल मॉन्यूमेंट्स. हमको उसकी रक्षा करना है, प्रिजर्वेशन करना है, कंजर्वेशन करना है हमको. दीज ऑल आर थिंग्स हैज गिवन टू इन दिस फंडामेंटल ड्यूटीज. हमको पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, वायोलेशन को एब्जर्व करना है, हमको साइंटिफिक मैनर रखना है हर एक चीज का, हमको शांति से, यूनिटी से और एकता से रहना है. सो दीज ऑल आर द ड्यूटीज एज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फ्रेमर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो दीज आर रिगार्डिंग अबाउट द राइट्स एंड द ड्यूटीज बिकॉज एंड दीज थिंग्स गिवन टू अस बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ अवर सिटीजन, डेवलपमेंट ऑफ अवर नेशन. सो दीज द स्पेशल फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स. नेक्स्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. These are the basic features of our constitution. Directive principle of the state policy. जिसका मतलब होता है राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धांत. Every state can form their own rules and regulation. हमने जैसे पढ़ा कि that is about the federation system in our country. Federation, that means the state has also get the power for the running and the administrations of the state. So in the directive principle of the state policy, the state can frame, the state can make the rules and regulations. For example, हर एक state में, for example, हमारे गुजरात के अंदर जो वाइन है वो अल्कोहल है वो बैन है. महाराष्ट्र, राजस्थान, ये स्टेट के अंदर अल्कोहल वाइन है, उसकी छूट छाट है, वो वहां पे लोग पी सकते हैं, वहां पे उसका परचेज हो सकता है, वहां पे उसको बेच सकते हैं लोग. लेकिन गुजरात के अंदर बैन है. तो आपको ऐसा होगा भाई, एक ही देश के अंदर एक स्टेट में द सम प्रोडक्ट इज बैन एंड इन द अदर स्टेट दैट इज ओपनली सेल्ड इन अदर स्टेट्स. व्हाई दिस? बिकॉज ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम द लॉ फॉर द डेवलपमेंट फॉर द स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए इस तरीके से कायदे कानून, इस तरीके से जो स्टेट के डेवलपमेंट के लिए हो, सिटीजन के डेवलपमेंट के लिए हो, वो ऐसे कायदे कानून स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बनाने की परमिशन दिया है एंड दैट इज नोन एज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. द स्टेट पॉलिसी, स्टेट कैन फॉर्म दैट पॉलिसी टू डेवलपमेंट फॉर द स्टेट. एंड द लास्ट, द प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड सेक्शन फॉर द ट्राइब्स. The provisions for the backward section हमारे constitution ने, क्योंकि बहुत हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत ही एक कुप्रथा थी हमारे देश के अंदर, एक बहुत ही हमारे देश के अंदर एक बहुत ही एक गलत रिवाज चल रहा था, that is untouchability, कि कुछ कास्ट के लोगों को वो अनटच करते थे. जैसे फॉरेन के अंदर जैसे करते कलर डिस्क्रिमिनेशन, काले गोरे का भेद था हमारे देश के अंदर, इस तरीके से अनटचेबिलिटी का था. सो आफ्टर द इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैड डिसाइडेड टू वी हैव टू एबोलिश दिस सिस्टम. सो दैट्स व्हाई दे हैव मेड अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ द कास्ट दैट इज अबाउट द प्रोविजन फॉर द बैकवर्ड क्लास, उन लोगों को आगे लाने के लिए. क्योंकि ये लोग जो सदियों से जो इस प्रथा से जो पीड़ित थे, सदियों से इस प्रथा से वो जो थे वो सहन करते थे. अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द पीपल, द डिफरेंट कैटेगरी हैज मेड बाय द गवर्नमेंट
the constitution. And these are the different castes, different sections. We can say there is a different section for the SC, ST, OBC, EWS and general, in minorities also. So these are the different sections of the people of our country. The SC, that means the scheduled caste, the one untouchability ki jo victims bane the sadiyon se Bharat mein, unko category mein laya gaya SC. ST, scheduled tribes, जो लोग आदिवासी थे, जो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, दैट इज फ्रॉम आइसोलेशन, जैसे समाज के दूर वो लोग जंगलों में, झाड़ियों में, पहाड़ों में जो लोग रहते थे, आदिवासी जिसको हम बोलते हैं, दैट इज कंसिडर्ड इन द एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ओबीसी, दैट मीन्स द अदर बैकवर्ड क्लास, अभी नया एक कैटेगरी बनाया है फिलहाल, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकल वीक है जो लोग, सेक्शन, जो कैटेगरी और जनरल कैटेगरी. सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट और एक माइनॉरिटीज, लघुमती के भारत के अंदर जो है वो, जो हिंदुस्तान है, हिंदू जो है वो यहाँ पे मेजोरिटी में है और बाकी के जो धर्म है वो माइनॉरिटीज है. सो द स्पेशल प्रोविजन मेड फॉर दिस पीपल, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको जॉब रिलैक्सेशन दिया गया, उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया, उनको रिजर्वेशन दिया गया, उनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर सम सीट्स आर द रिजर्व्ड फॉर दिस पर्सन, जॉब के अंदर भी, गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी सम सीट्स आर द रिजर्व, और उसके परसेंटेज है, वी विल डीपली स्टडी इन द 10th स्टैंडर्ड अबाउट दिस, अबाउट द रिजर्वेशन सिस्टम. सो द दिस पीपल गेट द डिफरेंट रिजर्वेशन सीट in particular for their caste. So because of the upliftment of these people, this provision made in our constitution, and this is not a discrimination, this is a positive type of the discrimination. Kuch logo ko lagta hai ki ye discrimination hai, nahi, the constitution says it is a positively discrimination, ke ye bhalai ke liye hai, ke logo ke upliftment ke liye hai. Not for that is about the discrimination or the exploitation to someone. It is on the positively view that is given to the this caste, this people, the special reservation in particular field. So these are the basic total 14 basic features of our Indian constitution. So dear students, the lesson number 8, the lesson number 8 is over. In our next video, we will start a new lesson. Thank you.